जितनी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी। पूरे देश में यात्रा निकली है और ये पीडीए मतलब पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए, जाति जनगणना की मांग के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज दिल्ली की सड़कों पर हम लोग इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अपने नेताओं की, अपने जो है महापुरुषों की जयंती मनाना। और परमिशन तो हम लोग जान ही रहे हैं कि बिना परमिशन के जो है कोई भी सरकार, नेताजी को जयंती मनाने के लिए इस देश में परमिशन लेने पड़ेगी, इससे ज्यादा शर्मसार इस सरकार के लिए क्या हो सकता है। हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे और जो जन विरोधी नीतियाँ लागू की गई हैं। ये साइकिल यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 से शुरू हुई थी, जंतर मंतर कल्मिनेट की गई, हमको अंदर नहीं जाने दिया गया। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, लोग साइकिलों के द्वारा यहाँ पे मतलब अपना वो लेके आ रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे अब आगे देखते हैं जो लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं समाजवादी पार्टी द्वारा यहाँ पे साइकिल यात्रा, ये क्या यात्रा क्यों? समाजवादी पार्टी के पीडीए यात्रा है जो अखिलेश यादव जी ने हरी झंडी दिखाई है, पूरे देश में यात्रा निकली है और ये पीडीए मतलब पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए, जाति जनगणना की मांग के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज दिल्ली की सड़कों पर हम लोग इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं। जितनी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी संख्या भारी सामाजिक समाजवादी पार्टी का आइडियोलॉजी है, मुलायम सिंह यादव के संघर्षों को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। जैसा कि आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इतनी बड़ी संख्या में पीडीए यात्रा को सफल बनाने के लिए आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिसकी जितनी संख्या। जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि पीडीए यात्रा जो इन्होंने निकाली है, जो पिछला दलित वर्ग है उन्हीं को लेके ये लोग यात्रा निकाली गई है इन्होंने, तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करते हैं। आपने परमिशन नहीं ली क्या? ये हमारे पास, हमने एप्लीकेशन दिया है जिस तरीके की रिवायत। ये एप्लीकेशन दिया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ का नहीं है। नहीं, ये सर इसमें सारा लोग उन्होंने, हमारे यहाँ का डीसीपी देगा ना, यहाँ की परमिशन यहाँ देंगे सर। हमारे कोई परमिशन एप्लीकेशन दे दी, परमिशन होगी क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं, हम जा, मैं यहाँ रुका, हमारा यहाँ तक, यहीं तक यात्रा का कल्मिनेशन था, जैसे कल्मिनेट हो जाएगा फिर हम लोग निकल जाएंगे, हमारा कोई वो नहीं है। देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आपकी रैली टर्मिनेट हो गई है, हम चले जाएंगे, चलते बस, चलिए एक मिनट सर, व्यवस्था तो बना ले लोगों को, सब चलो ना, एक मिनट सर, एक मिनट। यहाँ पे आप किस तरीके से देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी जो परमिशन है वो भी रद्द कर दी गई है। और नहीं नहीं, हमने डीसीपी ऑफिस से और तमाम थानों से, तमाम रूट से परमिशन लिया था, आज हम परमिशन के लेकर पीडीए यात्रा निकाले हैं। जो मुलायम सिंह यादव का विचार था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में इस देश में आगे आए, आज उन्हीं की एक यात्रा है उनके जन्मदिन के अवसर पर। मैं यहीं तक था, जंतर मंतर तक ही परमिशन था, हाँ तो जंतर मंतर तक ही परमिशन था और हम लोग जंतर मंतर पर अपनी यात्रा को समाप्त भी करेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इनका जो परमिशन है वो भी जंतर मंतर तक ही था, इनकी पूरी जो साइकिल यात्रा है जंतर मंतर तक ही थी। ये लोग बहुत पीछे से आ रहे हैं अपनी साइकिल यात्रा करते हुए, जो मुलायम सिंह यादव है उनका जन्मदिन है उसके लिए ही जो है ये यात्रा निकाली जा रही है, जो पिछड़ा दलित वर्ग है उनको लेके ये यात्रा निकाल रहे हैं। जो है इनसे रिक्वेस्ट किया है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अपने नेताओं की, अपने जो है
महापुरुषों की जयंती मनाना, और परमिशन तो हम लोग जान ही रहे हैं कि बिना परमिशन के जो है कोई भी सरकार, नेताजी को जयंती मनाने के लिए इस देश में परमिशन लेने पड़ेगी, इससे ज्यादा शर्मसार इस सरकार के लिए क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल होता है हर एक चीज के लिए परमिशन लेनी होती है। परमिशन हमने तो लिया है ना, पर कानून बनाए गए हैं उसको तो कानून हमने एप्लीकेशन दिया है, ये एप्लीकेशन देखिए, अब परमिशन नहीं देगा कोई परमिशन नहीं देगा तो क्या हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे? क्यों, ये हमारा एप्लीकेशन दिया है, हमने एप्लीकेशन दिया है, और एप्लीकेशन से वहाँ आप इस रूट को जो है फॉलो कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में सहायता से उनके कोऑपरेशन में हम लोग यहाँ आए हैं, यहीं अपनी रैली टर्मिनेट कर दे रहे हैं। हमारा प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, हम यहीं पर शांतिपूर्वक अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं, और नेताजी के जयंती के दिन जो पीडीए पिछड़ा दलित अकलियत और जो है आदिवासी अलायंस है उसको मजबूती करते हुए नेताजी के संदेशों को, साइकिल यात्रा इंडिया गठबंधन के समर्थन में भी है, ये चूंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए कोई भी गठबंधन जो इस भाजपा सरकार को हरा सकते हैं हम लोग उसके साथ हैं। स्टूडेंट जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, एक मोदी को सारे स्टूडेंट जो बेरोजगारी के सवाल को हल नहीं करना चाह रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम लोग इसको धीरे-धीरे भाजपा को हटाना चाहते हैं, और जो है साइकिल यात्रा के जरिए नेताजी को याद किया गया। कोई डर नहीं है, ये हमारा यात्रा हो गई है, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, सर हमारे पीछे हैं, इनका पूरा सहयोग मिला पूरे रास्ते भर, हम यही कल्मिनेट करते हैं, और कोई डरा नहीं है, ये संवैधानिक नीति है, संसदीय प्रणाली है, इसमें चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए इतने बड़े गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। कोई हराने, चुनाव लड़ेगा, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे, और जो जन विरोधी नीतियाँ लागू की गई है। सुनिए, अखिलेश यादव जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुराई करते हैं, और इधर आप लोग का गठबंधन है, कैसे चल रहा है? वो केंद्र का गठबंधन है, राज्यों का गठबंधन नहीं है। अच्छी हो जाती है और राज्यों में अच्छी बुरी की बात नहीं है, ये एक संसदीय प्रणाली है जिसमें जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो जनता के नीतियों से परेशान हैं, उन सारे लोगों को एकजुट करके चुनाव लड़ने की प्रणाली। फिलहाल हमारा नौजवानों का एक मैसेज था, साइकिल चला करके दिल्ली में सारे नौजवान उत्साह के साथ नेताजी का जन्मदिन मनाया गया और संदेश दिया। अब हम लोग यहीं से लौट गए। साइकिल यात्रा कहां से शुरू हुई? ये साइकिल यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 से शुरू हुई थी, जंतर मंतर कल्मिनेट की गई, हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन हम लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन जो है चूंकि हमारी प्रशासन रुकावट में हार गया, हमने हार नहीं माने हैं, इसको हार नहीं माना जाता है, इसको बेवजह का बजगत करने की जरूरत नहीं है, हम ये जानते हैं, आपको समर्थन नहीं छोड़ेंगे, नहीं ये हमारा वो नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये यात्रा चलती रहेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो नेता की जयंती बनाने के लिए यहाँ पे ये लोग विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 से जंतर मंतर तक इन्होंने साइकिल यात्रा निकाली है, उन्हीं के जो पिछड़ा दलित वर्ग है उनके लिए भी इन लोगों ने यात्रा निकाली है, अंदर जंतर मंतर जाने की कोशिश की गई पर इनको जाने नहीं दिया गया, पर ये कह रहे हैं कि हम मायूस नहीं है, यहीं पर ये लोग अपनी यात्रा खत्म कर रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता आवाज़।